हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमने अपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग फर्दर ऑन जो चीज़ें रहती हैं इंश्योरेंस में आपका, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, प्लस उसकी डिटेल वर्जन देखेंगे कि उसके सब पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे कैसे करनी है। राइट, आई होप आप सभी लोग जो हैं वो घर पे ही हैं। ठीक है, तो यार कोई बात नहीं, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, आपके पास डिजिटल मीडियम है जिसके थ्रू जो है आप सभी काम कर सकते हैं राइट नाउ, है ना। सभी हाथ मानते कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाती उसके थ्रू, बट कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बींग आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए यार, जब तक ये सब कुछ सही नहीं होता, तो आप लोग उतनी देर जो है वो अपने पेपर की तैयारी करें। और अच्छा है यार, पॉजिटिव लिख के चलो कि आपको टाइम मिला हुआ है, इस टाइम कोई घर नहीं आ रहा, कोई जा नहीं रहा, एकदम शांत एनवायरनमेंट है, घर पे बैठ के अपना आराम से पढ़ो। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंश्योरेंस, करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहला है हमारे पास, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटर होता है वो अथॉरिटी जो पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क बनाती है अपने सब सब्सिडरीज के लिए। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी को होल्ड करता है। ठीक है, जो RBI है वो किसका रेगुलेटर है? मॉनिटरी पॉलिसी का। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास क्या है, 3 रेगुलेटर्स हैं। एक जो है हमारे पास RBI है, दैट इज़ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ में डील करता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, IRDAI। ठीक है, IRDAI क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो 3 फाइनेंशियल सेक्टर्स के क्या हो गए, रेगुलेटर हो गए। बट यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि इन सब में से, चारों में से कौन सा जो है वो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, मतलब इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है। तो उसके लिए पहले हमने IRDA अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, IRDA का इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस एंड देन रोल, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो RBI है, ठीक है, वो भी रेगुलेटर है। RBI जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडीज़ क्या होती हैं, जो खुद अपने ही एक्ट के अंदर जो है काम करती हैं, मतलब किसी और के एक्ट के अंदर वो काम नहीं करती। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी। सेम आपके पास IRDAI जो है, दैट इज़ योर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज़ ऑल्सो एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का क्या मतलब हो गया कि अपने खुद के एक्ट के अंदर क्या करेगा, ये काम करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, एंड स्टैचुटरी बॉडी टास्क विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये बोथ, दोनों तरीके की इंश्योरेंस को हैंडल करता है। ठीक है, इंश्योरेंस हो चाहे री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस वाला सॉरी हमने कल पढ़ा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उन दोनों को रेगुलेट कौन करेगा, आपका IRDAI। ठीक है, अच्छा ये कौन से एक्ट के अंदर आता है हमारे पास, यहाँ पे इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ठीक है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ड बाय, ये किसने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, और IRDAI जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, ये बना था जी RN मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो पेपर में जो कमेटीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी और उससे प्रीवियस ईयर, क्या जब से पेपर हो रहे हैं। ठीक है, चलो इंश्योरेंस तो न्यू ऐड हुआ है, बट अदर भी जो चीज़ें हैं कमेटीज़ तो आपको आती आती है, जैसे नर्सिंग होम कमेटी होगी, तो ऐसी जितनी भी कमेटीज़ के जहाँ पे भी नाम आते हैं उसको सेपरेट लिख लो कहीं पे पेज पे। ठीक है, और वो कब इंट्रोड्यूस हुई है, किसके लिए है वो कमेटी, तो मैच द फॉलोइंग्स भी आपको आता है यहाँ से। ठीक है जी, तो IRDA कब सेटअप हुआ है, ये आपका
कौन से सेक्शन के अंदर आता है ये? एक्ट के अंदर 1999, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना है? आरएन मल्होत्रा कमेटी, और कभी कभी इसको एन मल्होत्रा कमेटी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है? 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी जो कंप्राइजिंग ऑफ 10 मेंबर्स है, इसमें क्या है, एक तो आपके पास क्या है, चेयरपर्सन है यहाँ पे, एक हमारे पास क्या है, चेयरपर्सन, ठीक है। पांच आपके पास यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है, पांच हमारे पास फुल टाइम मेंबर्स हैं, और बाकी जो चार रह गए वो क्या हैं आपके पास? पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है, ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन हो गया, पांच हमारे पास जो है वो पार्ट टाइम मेंबर हो गए। तो इसका डिवीजन कैसे हो गया यहाँ पे? 10 का 1, 1, 5 और क्या 4, एक चेयरपर्सन है हमारे पास, पांच हमारे पास फुल टाइम मेंबर्स हैं, और चार हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पार्ट टाइम। अब ध्यान रखना, जब अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो बेसिक नॉलेज ही पूछता है एक्चुअल में यूजीसी में, बट आपको रिक्वायरमेंट मांगता है कि आपको हर चीज़ उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। तो वहाँ पे आपको ये दे देगा कि इट कंप्राइज ऑफ इतने मेंबर और इतने, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगी किसकी? हमारी IRDI की, जो कि क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर आती है ये? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999, पास किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और कौन सी कमेटी के अंदर आती है ये? एन मल्होत्रा कमेटी, ठीक है, दैट इज आरएन मल्होत्रा कमेटी। चलें आगे, उसके बाद आते हैं हमारे पास इसके फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ IRDAI। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आ जाता है कभी कभी कि जो फंक्शंस हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये रहा फंक्शंस, किस कौन सेक्शन के अंदर मेंशन है? सेक्शन 14 ऑफ द IRDAI एक्ट 1999, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब IRDAI क्या करता है? देखो, कोई भी अगर बॉडी है तो वो हर तरीके की पॉलिसीज का फ्रेमवर्क करना, ठीक है, और उसके जो है हर तरीके का काम वो खुद करती है। तो सेम यहाँ पे जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज है उसको रेगुलेट करने का काम IRDAI का है। तो सारी की सारी तरीके की जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, चाहे उसका इशू करना हो, चाहे उसका रिन्यूअल हो, चाहे आप उसको मॉडिफाई मतलब चेंज कराना है, ठीक है, मतलब कन्वर्जन हो गया किसी भी चीज़ में, ठीक है, विड्रॉ करानी है आपने, सस्पेंड कराना है, कैंसलिंग कराना है, तो वो सब काम कौन करता है? IRDAI, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर अप हो गया। फिर दूसरा फंक्शन IRDAI क्या करता है कि जितनी भी लोगों ने पॉलिसीज ले रखी हैं उसकी, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने का काम भी किसका है? IRDAI का, सॉरी, ठीक है। तो उसके पॉलिसी, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है IRDAI। फिर जो जितने भी तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ट्रेनिंग होगी आपके एजेंट्स की, वो भी कौन करता है? IRDAI, ठीक है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? IRDAI। अच्छा, एक जो और चीज़ ये काम करता है कि जितनी भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, सी स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड द मैनर इन विच बुक ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी रिकॉर्डेड सॉरी रेंडर्ड बाय इंश्योरर एंड अदर इंश्योरर इंटरमीडियरीज। अब देखो, जैसे कोई भी चीज़ है, हर एक का स्पेसिमेन जो है वो खुद बनाते हैं, तो सेम यहाँ पे अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका जो स्पेसिमेन रहता है ना कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, बंदे का नाम कहाँ आएगा एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा जो पर्चा निकल के आता है बाद में, फॉर्मेट बोल लो, ठीक है, तो वो कौन प्रिपेयर करता है? IRDAI, ठीक है, मतलब उसकी बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम किसका है? IRDAI का, ठीक है। अब किसी भी तरह की अगर फीस चार्ज करनी है तो वो भी IRDAI करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है? इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इशूअर्स इंटरमीडियरीज एंड अदर रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है?
IRDI, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है हाउ बुक्स शुड बी कैप्ट, कि बुक्स रखनी कैसे कैसे हैं आपने, ठीक है, रिगार्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, पूरी की पूरी मार्केट मतलब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसको फ्रेम करना, उसकी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने का काम किसका है, IRDI का। अच्छा, और क्या करता है ये, जितनी भी टैरिफ एडवाइजरी कमेटी हैं, ठीक है, उसको सुपरवाइज करने का काम भी किसका है, हमारा IRDI का, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम टू फाइनेंस स्कीम। तो जितनी भी तरीके की कि कौन से सेक्टर में कितनी कितनी चीज़ देनी है वो कौन डिसाइड करेगा, IRDI, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के लिए प्रिपेयर करता है कि कौन से बैंक को कितने एरिया में कितनी कितनी ब्रांचेस ओपन करनी है, सेम इंश्योरेंस सेक्टर का जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कैसे कैसे काम करेंगी, कौन से रूरल सेक्टर में कितने होंगे, अर्बन में कितने होंगे, उसका फ्रेमवर्क कौन तैयार करके देगा, IRDI, ठीक है जी। ये सारे बेसिक फंक्शंस हो गए आपके IRDI के, ये सारे हैं, ठीक है ना। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कहीं पे लिख लो, चले नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे रोल्स, इसके रोल ऑफ इंश्योरेंस। अब रोल क्या है कि जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका क्या करेगी, इंटरेस्ट को सिक्योर करने का काम भी किसका है, IRDI का, ठीक है। ये एनकरेज करती है ताकि जो मार्केट में जो ग्रोथ है वो बनी रहे, प्लस इनोवेटिव और बोल सकते हैं कि क्रिएटिव इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके आने का काम भी किसका है, IRDI का। प्लस और क्या करती है, ये प्रमोट करती है, इट टू सेट प्रमोट मॉनिटर अप्लाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी फेयर डीलिंग फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ दोज इट रेगुलेट। देखो, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से काम करे, वो भी अपनी पॉलिसीज़ को पूरी तरीके से डिफाइन करे, प्लस जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड कौन होता है, वो पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है, तो दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के जो इंटरेस्ट को क्या करती है, सेफ गार्ड करने का काम किसका है, IRDI का, ठीक है, ताकि वो भी अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर वे में क्या करे, डिस्क्लोज करे, ठीक है, कुछ हाइड नहीं करेगा वो, ठीक है। टू प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स द अथॉरिटी मस्ट चेक इशुएंस स्कैम्स एंड अदर मिसकंडक्ट्स। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, चाहे आपके एजेंट्स के साथ हों, चाहे आपके आपकी खुद की इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो, तो उसकी सेटलमेंट भी कौन करा के देता है, IRDI, ठीक है। जैसे बैंक्स की सेटलमेंट कौन करा के देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की जो सेटलमेंट है वो कौन करा के देगा, आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू टेक सुटेबल स्टेप्स अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस वेयर सेट स्टैंडर्ड्स डू नॉट प्रिवेल और इनअप्रोप्रिएटली एनफोर्स्ड। तो ये पहले भी बेसिक चीज़ है यार ये, कि अगर कोई भी कंपनी, मान लो मैंने किसी को रेगुलेट करने, मतलब मैं रेगुलेटरी बॉडी हूँ और मेरे अंदर जो मेरी सब्सिडरीज हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी। तो अगर वो लोग काम नहीं करते तो उसके ऊपर जो फाइन है, पेनल्टी है, वो इम्पोज कौन करेगा, IRDI, मतलब उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, IRDI, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है टू ब्रिंग अबाउट द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ, ये हम कर चुके, सेल्फ रेगुलेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज। तो पूरा का पूरा जो प्रोडेंशियल रेगुलेशन है कि काम कैसे होगा एंड ऑल, उसका पूरा का पूरा कौन देखता है, IRDI। तो IRDI क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कौन सी, सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस का, सॉरी सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज का, आइदर लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक है, आइदर आपकी LIC हो और आइदर आपकी क्या हो, GIC। तो ये दोनों के दोनों ही क्या करता है, कवर करता है यहाँ पे, ठीक है, चाहे LIC हो चाहे GIC हो, ठीक है जी। चलो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, पहले वाले पे, आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, कौन है भाई बताओ, IRDAI, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका क्या है,
रेगुलेटर, तो वो फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो क्या प्रोवाइड कराती है आपको, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। बताओ कौन सी है ऐसी जो एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो ये चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, तो ये हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नाबार्ड क्या है, ECGC, SIDBI और IRDA। ठीक है, IRDA तो हम अभी पढ़ चुके, ये रेगुलेटरी बॉडी है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, SIDBI जो है वो क्या करती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए कोई काम नहीं करता। तो नाबार्ड जो है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, वो रूरल सेक्टर के जो बैंक्स हैं, ठीक है, उसके लिए काम करता है, तो ये भी नहीं है। इसका जो मेन सही आंसर है वो क्या है, ECGC है क्या अब आपके पास, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था हमारे पास, 1957 में, ये भी याद रखना। ठीक है, ये एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है और इधर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ECGC इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, जो पूरी की पूरी सब्सिडरी किसकी है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ किसकी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये GOI की पूरी जो है सब्सिडरी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, इधर देखो, ECGC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1957, तो कब इस्टेब्लिश हुआ ये, 1957 में। सब्सिडरी किसकी है, ये होली ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, होली ओन सब्सिडरी का मतलब है कि पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। ठीक है, अगर होली ओन नहीं होता तो मतलब क्या होता, पार्शली ओन। पार्शली ओन का मतलब क्या है कि आधा सेक्टर किसी के पास है और बाकी रिमेनिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बायफर्केटेड है, कि स्पॉन्सरिंग बैंक के पास अलग है, ठीक है, स्टेट के पास अलग होगा, ठीक है, जो सेंट्रल के पास अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं, बट यहाँ पे ये होली ओन सब्सिडरी है, विच वॉज सेटअप इन 1957। ये कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट हुई है कि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर क्या कराता है, गारंटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सॉरी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, हाँ, एक तरीके से क्या करता है, गारंटर ही है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये कवर अप हो जाएगा अब आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपके पास, कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो कवर करता है एक्सपोर्टर्स को, तो कौन सा है, ECGC, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थर्ड वन, व्हेन वाज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड। अभी पढ़ के आए हो आप, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, 1955 में, 1957, 1956 के 1958, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1957 में। अगर भूल गए हैं तो दोबारा देख लेना इसको, ठीक है, वहाँ पे पूरा बता रखा है कि ECGC क्या है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, होली ऑन सब्सिडरी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड। बताओ व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, अभी आप पढ़ के आए हो, पूरा का पूरा IRDI है ना, IRDI अभी पढ़ा है ना, तो कब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1971 में, 1999 में, 2001 के 2008 में, हमने पढ़ा था ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि 1999 में जो है आपका IRDI क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच शेड्यूल एज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये, 8 में, 9 में, 7 में के 10 में, कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये, 7 में। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 7th शेड्यूल एज यूनियन लिस्ट बजट। तो इसको भी नोट बना के जहाँ पे भी आपने प्रिपेयर किए हैं तो वहाँ पे ऐड ऑन कर लो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है ये। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चले नेक्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 7th, सी ऑप्शन। 6th पे, व्हेन वाज द जीआईसी फॉर्म्ड, जीआईसी कब फॉर्म हुआ था। कल अगर आपको याद हो तो हमने एलआईसी और जीआईसी दोनों किए थे। ठीक है, जीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, क्या फुल फॉर्म है भाई बताओ, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है ना, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, काउंसिल वॉज फ्रेम्ड इन 1957। ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, जी आई सी वॉज इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट, कौन सा, 1938 के अंदर। तो ये एक्ट कौन सा है इसका, याद रखना 1938, ये कल हम कर चुके हैं, नहीं देखा नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेना उसको जाके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 1955, 1956 कि 1957, 1957। अब देखो, याद करो कि जो आपका ECGC है वो भी कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1957 में, और GIC भी कब इस्टेब्लिश हो रहा है आपका, 1957 में। तो ECGC और GIC दोनों के दोनों का फॉर्म हो रहे हैं आपके 1957, तो कोरिलेट कर सकते हो, ऐसे क्रैमिंग करने में या याद करने में आपको इजी हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे। चलो 7th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस इशू यूलिप। यूलिप हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में किया था कि यूलिप क्या है, एक तरीके का क्या है आपका, लाइफ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ना, कि यहाँ पे आपको यूलिप के अंदर क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट प्लस आपको प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब कवरेज तो मिलेगा मिलेगा, प्लस प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि यूलिप के अंदर, ठीक है, आप क्या करते हो, मोस्टली ये कितने से पीरियड के लिए रहता है, 10 to 15 years के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका पीरियड जो है, लॉक इन पीरियड 10 to 15 years के लिए आप जब इंश्योरेंस लेते हो, इसके अंदर प्लान परचेज करते हो, तो कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है कि आपको क्या होगा, बायबैक मिलेगा, मतलब यहाँ से जो है आप जो है आफ्टर मेच्योरिटी भी ले सकते हो, और प्री मेच्योरिटी, मतलब अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है तो किसको मिल जाएगा, नॉमिनीज को, ये हम कर चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इशू यूलिप, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज है जो यूलिप प्लान इशू करती हैं। अच्छा, अब किसी भी तरीके की कोई भी इंश्योरेंस प्लान हो, वो कौन करेगा जी, आपका इंश्योरेंस कंपनी ही उसको क्या करेंगी, इशू करेंगी, नबार्ड, बैंक्स और RBI का ये काम नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी ही आपके जितने भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं, वही लोग क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। ठीक है, हो गया समझ में, आ गई। अब देखो, यूलिप हो, एंडोमेंट प्लान हो, आपका फायर इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस पूछ लें कि कौन करता है इसमें से, तो इंश्योरेंस कंपनीज ही करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन, विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट एन इश्यूएंस कंपनी फंक्शनिंग इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी जो कंपनी है वो इंडिया में फंक्शन नहीं करती। तो कल अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ करी थी, ठीक है, हमने LIC भी की थी और हमने अपना GIC का पोर्शन भी किया था, है ना, LIC और GIC हमने दोनों ही की थी हमारी। LIC में हमने क्या पढ़ा था कि कितनी होती हैं हमारे पास, जो LIC है, ठीक है, वो कितना था हमारे पास, 24, और जो हमारे पास GIC है, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, वो कितनी थी, 34, और इस 34 में से 6 हमारे पास क्या हैं, पब्लिक सेक्टर हैं। ठीक है, और इस
ये जो 24 हैं, ठीक है, ये टोटल मिला के क्या है आपके पास, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, तो 34 प्लस 24 ही टोटल कितनी होगी, 58 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हम कल के लेक्चर में करके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार इसको दोबारा कर लेना। चलिए, तो अगर आपको वो पता होगा, याद किया हुआ, तो आप इमीडिएट आंसर दे सकते हो कि कौन सा है। चलो, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल। तो ICICI प्रूडेंशियल क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये तो है आंसर, मतलब ये तो नहीं है, तो ये क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है। INGOSIA, ठीक है, ये क्या है, बैंक है जो इसके साथ मर्ज हो गया है अभी राइट नाउ, ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्ज हो गया है, ठीक है, नाउ इसका मर्जर हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक इन 2015 में, तो ये भी आपके पास इंश्योरेंस कंपनी होगी। नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये जो है आपके पास, ये किस में डील करती है, ये सिक्योरिटीज़ में डील करती है, ना कि आपकी किस में डील करती है, इंश्योरेंस में, तो ये जो पार्ट है आपका इंश्योरेंस का नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये क्या करती है, सिक्योरिटीज़ में डील करती है। चलो डी भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है आपके पास, लार्जेस्ट GIC है ना, लार्जेस्ट क्या है, GIC, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है वो मेरे पास क्या है, लार्जेस्ट GIC है। कल हमने GIC में किया था ना कि टोटल कितनी है, 34, उसमें से 6 क्या है, पब्लिक सेक्टर है, बाकी की जो रिमेनिंग रहेगी वो क्या है आपके पास, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो 6 मैंने आपको कल कराई थी, ठीक है, तो देख लेना एक बार। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी फंक्शनिंग इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ यार क्लियर नहीं होती तो गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय, तो इंश्योरेंस जो है कौन लेजिस्लेशन पास करता है भाई, उसके लिए अभी किया है आपने, बताओ, इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस का जो लेजिस्लेशन है वो कौन करता है, पूरी तरीके से देखो, इंश्योरेंस कंपनी तो रेगुलेटरी बॉडी है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है आपको हमेशा ही, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर तो IRDAI है, ठीक है, रेगुलेट करने का काम IRDAI का, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट इसका जो लेजिस्लेशन है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, विच कवर्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ लिस्टेड इन, हम अभी पढ़ के आ चुके, कौन से शेड्यूल में मेंशन है हमारे, 7th शेड्यूल में, है ना, राइट, अभी अभी किए है ना, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट इन लेजिस्लेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, और इंश्योरेंस का जो लेजिस्लेशन है वो किस लेजिस्लेटेड बाय विच अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, डन, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है कौन लेजिस्लेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ये भी हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, नाम से ये डिफाइन हो रहा है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या मतलब हो गया, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए जो इंश्योरेंस देता है, मतलब जो क्रॉप लोन होते हैं ना उसके ऊपर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उस अथॉरिटी का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज AIC, वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू एक्सक्लूसिवली कैटर टू द इंश्योरेंस नीड ऑफ द पर्सन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन इंडिया। अगर आपको याद हो तो कल हमने किया था कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2002 में,
बट इसका जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो कब होता है, वो कब हुआ था जी, 2003 के अंदर। तो याद रखना जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो 2003 है, ठीक है, ये कमेंसमेंट है इसका। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अलग है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, 2002, तो ये इस्टेब्लिशमेंट है 2002। चलो जी, तो कौन कौन से एक्ट के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 1956 में आता है, सेबी एक्ट 1992 में आता है, या IRDA एक्ट 1999 में आता है, या फिर RBI एक्ट 1934 में आता है। अब देखो जितनी भी ये एक्ट्स हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जितनी भी कंपनीज। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये जो आपके पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या है, GIC है आपके पास, है ना, GIC है ना, कल किया था हमने, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर है तो किसके अंदर होगा, नहीं पता तो याद करें कि जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं आपकी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। सेबी के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि सेबी जो है वो सिक्योरिटीज़ में डील करती है, ना कि इंश्योरेंस में, ठीक है। IRDA एक्ट जो है वो इंश्योरेंस में ही है, बट इस एक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस को कवर अप किया गया है, ठीक है, ना कि उसके फर्दर ऑन इंश्योरेंस को जो है वो नहीं कवर अप करता इसमें, ठीक है। तो ये एक्ट किस में डिफाइन किया है, IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, कौन सा है, 1999 में, ठीक है। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी पोर्शंस है, फ्रेमवर्क है, वो प्रिपेयर करता है, बट जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है वो कवर अप करता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। RBI एक्ट 1934 में तो सारे के सारे RBI के जो रूल्स वगैरह हैं वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, कंपनीज एक्ट 1956। आई होप गाइस कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं आज आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई क्वेरी है, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है मेंशन कर देना, मैं जो है उसको क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ऑल द बेस्ट।